चिचोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र बाबने की रिपोर्ट। पॉलीथिन इस्तेमाल पर हुई कार्रवाई, मारे दुकानों पर छापे, जब्त हुई पन्निया। बैतूल जिले के चिचोली मुख्यालय पर तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा, नगर परिषद अधिकारी सलीम खान पटवारी दल, नगर परिषद कर्मचारियों को प्लास्टिक पन्नी के इस्तेमाल पर बैन लगाने, नगर की 2 दर्जन से अधिक दुकानों पर छापे मारकर उनके पास रखी पन्नी के बंडल जब्त किए। तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा ने कहा, पन्नी बैन हो चुकी है, अब ग्राहकों को कागज के कैरी बैग और कपड़े के बैग में सामान देना उचित कार्रवाई होगी। से पन्नी पे प्रतिबंध लग चुका है लगभग सभी जिलों में। हमारे यहाँ भी नगर प्रशासक ने अगर इस पहल की शुरुआत की है तो बहुत ही सराहनीय पहल है। ये होना चाहिए, पन्नी पे बैन होना चाहिए। तो ये आपको नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद जी पटेल, पर्यटन व सांस्कृत मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनने के बाद प्रथम बार अपने गृह जिले नरसिंहपुर से गोटे गांव गृह ग्राम आगमन हुआ। उसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम श्री देव ठाकुर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मोदी मंत्र और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रथम नगर आगमन पर नेता के स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर प्रहलाद पटेल का कहना था कि जिस तरह से हमें जनादेश मिला है, चुनौतियां बहुत बड़ी थीं, पर विनम्रता से के साथ अथक परिश्रम करना होगा और सारी चुनौतियों को पूर्ण करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। यही मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सभी साथियों को दिया है। वही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नर्मदा के जितने भी घाट है, वह वास्तविक रूप से जिस दुनिया को मानचित्र पर आ जाएंगे, उस दिन पर्यटन अपने आप बढ़ेगा और लोगों की तरक्की होगी। नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। संसदीय दल की बैठक में एक बात कही है, जनादेश बढ़ा है तो चुनौती भी बड़ी है। विनम्रता के साथ में अथक परिश्रम करिए, सारी चुनौतियों को पार करके हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे और लक्ष्य के लिए जो समय तय किया है उस समय के पहले हर अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। गुना से हमारे संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। डूंगा सारा गांव में चल रहा है 12 कुंडीय ब्रह्म यज्ञ। प्रतिदिन मंत्रोच्चारण के साथ ही दी जा रही आहुतियों से पूरा क्षेत्र धर्ममय हो गया है। सुबह से शाम तक इस यज्ञशाला में पहुंचकर यजमान द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ हवन कुंड में आहुतियां दी जा रही हैं और सैकड़ों श्रद्धालु यज्ञ की परिक्रमा कर धर्म लाभ ले रहे हैं। इसके साथ ही यज्ञ में आने वाले श्रद्धालुओं को पानी पीने के लिए और भोजन की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही रात्रि में वृंदावन धाम से आई हुई रासलीला भी चल रही है, जहां आसपास गांव के हजारों लोग यज्ञशाला की परिक्रमा कर रासलीला देखने जा रहे हैं। इसके साथ ही डूंगा सारा गांव में मेला भी लगा हुआ है, जहां पर बच्चों के मनोरंजन के झूला, सर्कस आदि लगाए गए हैं। गुना से हमारे संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। बमहोरी से हमारे संवाददाता तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। बमहोरी अर्जुनी आईसर ट्रैक्टर ऑटोमेटिक चालू हो गया, सर्किट होने के कारण लगी आग, जिसमें हुआ लाखों का नुकसान। परशुराम चौधरी के घर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी आग, अचानक चालू हुआ ट्रैक्टर, वहीं बगल में लकड़ी के कंडे के ढेर लगे होने के कारण आग तेजी से फैल गई मकान में। उसमें भूसा भरा हुआ था। जब तक गांव वाले एकत्रित होते तब तक आग ने अपना ज्वालामुखी रूप धारण कर लिया था। वहीं खड़े ट्रैक्टर ट्राली बोनी मशीन थ्रेसर में भी आग लग गई। जब तक किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी तब तक घर का सारा सामान और गृहस्थी का सामान जलकर राख हो चुका था। गांव की तरफ फैलने लगी थी आग। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से काबू पाया जैसे तैसे आग को और मौके पर बमहोरी थाना प्रभारी गिरीश दुबे पहुंचे, मामले की विवेचना में लिया गया। वैसे भी आग लगने से परशुराम चौधरी का नुकसान, मकान, भूसा, ट्रैक्टर, थ्रेसर, मकीन, इन सब का लगभग 10 लाख के करीब का हुआ नुकसान। बमहोरी से हमारे संवाददाता तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।